नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। पंजाब में एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस गाड़ी में सुनने में आया कि जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 युवकों की मौत हो गई है। इस समय आप जानते हैं कि ठंड बहुत ज्यादा है और रात को अगर आप देखेंगे या सुबह भी अगर आप देखेंगे तो इतनी ज्यादा धुंध होती है, इतनी ज्यादा फॉग होती है कि जिससे गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब गाड़ी जो थी वो कुछ युवक जो थे वो रात को 11-12 बजे के करीब जब गाड़ी लेकर आ रहे थे तो आगे खराब ट्राला सड़क पर लगा था। जो जानकारी मिली है ट्राला जो था वो सड़क पर लगा था तो उस दौरान उस ट्राले के नीचे गाड़ी जाकर घुस गई और जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई। हैरान करने वाला मामला है, तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ? ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਟਰ ਪੁਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12:15 ਵਜੇ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, 5 ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ 34 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 22-23 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਕੀ ਸਰ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਕ ਰੋਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰ। ਸਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਦਰਾ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰ 12:15 ਵਜੇ ਆਏ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सन्नी कुमार हैं, हमारे सहयोगी पत्रकार पंजाब से। सन्नी जी। जी दीपक जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, कहाँ पे पंजाब में कहाँ पे हुई है? जी दीपक जी, ये ज्ञात देर रात की घटना बताई जा रही है, पंजाब के तरन तारण की खबर है। ये देर रात अमृतसर से मथा टेक कर लौट रहे थे जी, के कारण आपने कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से धुंध भी इतनी, विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी भी 30-40 मीटर की दूरी पर कुछ भी वाहन नजर नहीं आते और यह ट्रक खराब होने के कारण वो साइड पे खड़ा, तो विजिबिलिटी के कारण ये हादसा हुआ है। और राहगीरी स्थानीय लोगों ने बताया कि पंजाब में इतनी ज्यादा धुंध लग रही है, इतनी ज्यादा फॉग है कि वहां पर दिखाई नहीं देता है। जी दीपक जी, पिछले काफी समय की बात, 15 दिन की बात की जाए तो वहां पर जो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। पंजाब में चाहे दिन हो चाहे रात हो, धुंध का कहर आए दिन बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि ये कोहरा कभी भी 0 विजिबिलिटी पे कन्वर्ट हो सकता है जी। ये दीपक जी, आजकल बता दिया जाए कि कड़ाके की ठंड पे दुर्घटना बहुत क्षतिग्रस्त हो रही है। पिछले पंजाब में मौत की बात की जाए तो कई मौतें भी हो चुकी है पंजाब में। अच्छा, तो ये जो 4 युवक थे ये माथा टेक कर वापस घर की तरफ आ रहे थे? जी दीपक जी। तो उस दौरान इनका ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई गाड़ी जो थी, इनको ट्राला दिखा नहीं है कि उसके नीचे घुस के जाकर? जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी, ये ट्रक खराब होने के कारण साइड रोड पर खड़ा था, ना ट्रक की
कह सकते हैं कि इंडिकेटर जो पार्किंग इंडिकेटर होते हैं वो ना जलाने के कारण भी ये हादसा कह सकते हैं। अच्छा, इन युवकों के कोई नाम पता चले हैं, कौन युवक हैं ये, क्या नाम है इनके? सर दीपक जी, ये फिरोजपुर के रहने वाले थे और चार युवकों के नाम पुलिस द्वारा भी पता चले गए हैं। राजवीर, ये पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने जानकारी साझा की है। अच्छा जी दीपक जी, चलिए शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, विजिबिलिटी कम होने के कारण और ट्राला जो था वो साइड पे खड़ा था और उसकी कोई इंडिकेटर ऑन नहीं था, जिस कारण शायद युवकों को पता नहीं लगा। विजिबिलिटी वैसे भी कम है तो ऐसे में शायद वो स्पीड में आ रहे होंगे हाईवे के ऊपर तरन तारण में, तो वहाँ पर ये गाड़ी जो है ट्राले के नीचे घुस गई और जिसमें चार युवकों की वहीं पर मौत हो गई। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और जब भी आप घर से निकलें, रात को निकलें, तो थोड़ा ध्यान भी रखें, अपने इंडिकेटर भी ऑन रखें ताकि आपके पीछे और आगे वाले को भी जानकारी रहे कि कोई आ रहा है, नहीं तो इस समय विजिबिलिटी जिस तरह से कम है तो मुश्किलें हो सकती हैं। और देखते रहें दैनिक चर समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।